एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं वाह बेटे मौज कर दी ट्रेंडिंग मीम्स फ्रॉम दी चैनल थग ऑफ मीम्स। तो इनके चैनल पे आज हम आ गए हैं ताज़ा ताज़ा मीम्स देखने के लिए। यार इनके चैनल पे बहुत सही मीम्स होते हैं, मैं सच्ची में बोलूँ इनके मीम्स ना चुम्मेश्वरी होते हैं। मतलब एवरी टाइम जब भी मैं इनके एक्चुअली हम इनके चैनल पे बहुत ज़्यादा लाइक हमारे चैनल पे वीडियो रिएक्ट इतना ज्यादा नहीं करते, लेकिन जब भी मेरे को टाइम मिलता है इनके चैनल पे मीम्स देखती हूँ मैं, एंड दे आर लाइक बहुत सही। सो आई एम लाइक होपिंग कि आज भी बहुत ऐसे मजेदार मीम्स हो। सो लेट अस सी हाउ द मीम्स ऑफ थग ऑफ मीम्स आर गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। कौन जीतेगा मियामी टू इंडिया या ऑस्ट्रेलिया मैच? आपने प्रतिष्ठानीय कौन सा जीतेगा? चलो भाई तूने पर्ची निकाल ली है, एक मिनट, ये दी पर्ची है ऑस्ट्रेलिया। वाओ ये हमें बाजी कर सबसे अलग सबसे असली जतिन कैलिबर हमसे मस्ती भाई बाबा भी भंडारा चल रहा। तुम जो बैठे मुट्ठी में हाथ जादूगर आए बाजीगर हमें बाजीगर सबसे अलग। तो ऐसा है कि आपसे बहुत कुछ सीखा मैं। अच्छा, कि बंदा चाहे जितना मर्जी बड़ा मालिक बन जाए कंपनियों का, पर जमीन से जुड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी। बहुत सही, आप लोग सभी इतने डाउन टू अर्थ हैं कि आप लोगों ने पूरा सीजन चार जोड़ी कपड़ों में काट दिया। वेरी डाउन टू अर्थ। आपके केस में क्या है कि आप लोग का फेम थोड़ा डिफरेंट है, कि यूजली लोग पहले सेलिब्रिटी बनते हैं फिर उनके पास पैसा आता है, आप पैसे उड़ा के सेलिब्रिटी बने। आदमी जितनी बड़ी बड़ी कंपनी बना ले मोहल्ले की आंटी इज्जत तभी देती जब तक टीवी पे ना हो। बात सही है बिल्कुल। अच्छा वो आंटी से याद आया, नमिता इज हियर। यार ये बंदा ये राहुल। हाँ क्या कर रहा है यहाँ पर? दिल्ली का तू आज? अब स्कूल नया नाम ही काट जा, सिफारिश करना आया था कि वापस ले लें। हाय हाय यार। अब यार मेरी भी कहाँ गलती थी। फिर अब यार कल सन ने मेरे से कही कि कुणाल बेटा क्लास शांत कराना, क्लास शांत करा दो, बता मेरे को स्कूल से निकाल दिया प्रिंसिपल और सन ने मिल गए। ऐसा क्या किया? निकाल दिया तेरे को स्कूल से। अब यार देख सब बच्चे कल शोर मचा रहे थे तो अचानक से प्रिंसिपल घुस गया, प्रिंसिपल ने कहा इन सबको चुप करा जल्द से जल्द। अब जल्द से जल्द में मैं क्या करता, मैंने भी कह दिया अंडी मंडी संडी से चुप ना हो। अरे यार सोच तेरी मानना पड़ेगा, तू चलो बोला दिखता है लेकिन मतलब बहुत मेहनत करते हुए आ रहे हैं, तीन साल से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, आगे तो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं हम। तीन साल से टिकटॉक बना रही हैं? जी तीन साल से। और कितनी गालियां सुनी हैं आपने? चार चवन्नी घोड़े पे टिकटॉक मेरे पे। अब आपके सामने पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैलेंट दिखाया जा रहा है टिकटॉक का। बवासीर एक आम समस्या है। मेरे गार्ड्स मेरे साथ इसलिए नहीं होते कि मुझे दूसरों से बचा सकें, वो मेरे साथ इसलिए होते हैं कि दूसरों को मुझसे बचा सकें। ओह अच्छा। मार के टट्टी निकाल दूंगा। वोटर कार्ड बनाने वाले ने मेरा लिंग पुरुष की जगह पे महिला कर दिया है। समझ गया समझ गया। या तो मेरा लिंग परिवर्तन करके फिर से पुरुष करो, या फिर मुझे लाली बेना में जोड़ के 1250 रुपए महीने का दिलाई जाए। कमलनाथ की सरकार आए थी, या तो 1500 रुपए दिलाओ भाई, या फिर मेरा लिंग परिवर्तन करो। क्योंकि ह्यूमन राइट्स तो मिल ही जाते, वुमेन राइट्स नहीं मिलते। क्या फर्क है? हमें अपने राइट्स नहीं मिलते, जुल्म हो रहा है, ज्यादतियां हो रही हैं। जुल्म की बात की ना, आपको कॉफी मिली? हाँ मिली। मुझे नहीं मिली। मर्द के साथ जुल्म हुआ, मैं रोने लग जाऊं, कार लेके बाहर चला जाऊं कि कॉफी नहीं मिली मुझे। अरे यार ओ यार ह्यूमन राइट्स इन टू फाइट। वेलकम टू द सीजन फिनाले ऑफ द थगेश शो। यस ओहो
क्या बात है, चलो झाड़ू मारो। नहीं यार, आप बढ़िया दिख रहे हो यार। थैंक यू यार। ऐसा लग रहा है मुझसे दहेज मांगने वाले हो। कैरी कैरी भी साथ। ये फैन आर्ट। हाँ दिखा, फैन आर्ट भी लेके आया हूँ। कुछ गड़बड़ लग रहा है यार मेरे को। खोल के तो देखो कैसा लगा। मतलब हाँ, मैंने जब आपकी वीडियोस देखी थी मुझे भी यही फील हुआ था। आपके शो का नाम क्या है वैसे? द थगेश शो। लेट नाइट विद थगेश होता तो लड़कियां नहीं आती। अरे रे, तो जब भी आपका एग्जाम आने लगे तो उससे 3 से 4 दिन पहले जो आपके आगे वाला रोल नंबर है, जो आपके पीछे वाला रोल नंबर है, दोनों लड़के को दोस्त बना लेना है। जैसे ही दोस्त बनाओगे तब आप जान जाओ कि आपके सब्जेक्ट में कितने चैप्टर आ रहे हैं। मान लो 4 चैप्टर आ रहे हैं, तो जो दोनों लड़के हैं ना, तो पहले वाले से कहना कि भाई तू पहला दूसरा चैप्टर तैयार कर ले, मैं तीसरा चौथा चैप्टर तैयार कर लूंगा। दूसरे वाले लड़के से कहना भाई तू तीसरा चौथा चैप्टर तैयार कर ले, मैं पहला दूसरा तैयार कर लूंगा, तो तीसरा चौथा चैप्टर तैयार कर लेगा। तो अगर आप यहाँ मुड़ी खजुआ देखोगे तो आपको एक कुछ चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ रहा है। ये वाला पहला दूसरा पढ़ लिया, ये वाला तीसरा चौथा पढ़ लिया, इन दोनों को भी लगेगा कि मुझे कम कम पढ़ना पड़ रहा है। और आप बैठे हो बीच में, तो आगे वाला बताए पीछे वाले बताए, पूरा नंबर आप आ जाओगे। गलत रास्ता ये, यही सही रास्ता है। तो वो सही रास्ता है मेरे को भी यार। बाबू भैया नहीं, यही गलत रास्ता है, सही रास्ता। अरे कैसे सही रास्ता है, मैं बोलता यही सही रास्ता है। मेरे को दिमाग में क्यों नहीं आया यार। रास्ता है बेटी। प्रतिभा है तुम में, साधन नहीं। फोन पे पेटीएम यूपीआई ये सिग्नल तो खुल जाएगा ना। वाह बुद्धि, वाह वाह वाह। तुम सबके आगे प्रॉमिस कर रहा हूँ, चेंज कर दूंगा इंडिया का। अंदेशा हुआ था लेकिन मैं मानना नहीं चाहता था। वेरी डिजिटल इंडिया। ये भाई सत्यम सत्यम सत्यम, अगर मान लो आपको 2 दिन में शादी करने का मौका दिया जाए तो कैसी बीवी से शादी करोगे? भाई नरसियन, नरसियन से कम ये रहा नहीं जाता। भाई आपका नाम? भाई रोहित। रोहित रोहित, सेम सवाल, अगर आपको भी 2-3 दिन में लड़की से शादी करने के लिए मौका मिला तो कैसी बीवी पसंद करोगे? भाई सर्दी कट जाए बस। बस चलो कोई नहीं। भाई आपका नाम क्या है? भाई कुणाल। कुणाल। अच्छा तो कुणाल, कुणाल करने वाले। कुणाल। अच्छा एक बार कुणाल, सिर्फ कुणाल। अरे भाई क्या, अरे कुणाल ठीक है आप कुणाल? हाँ। तो भाई अगर मान लो तुम्हें भी 2-3 दिन में शादी करने का मौका मिले तो कैसी बीवी से शादी करोगे? चांद जैसी। हाँ। चांद जैसी मतलब जो रात में और सुबह चली जाए। अच्छा मेरे को समझ रहे हो? कैसे यार, कोई भी प्यार करने वाली नहीं चाहिए तुमको, बस वही चाहिए। बहुत गलत। ओए ओए भाई, ओए 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 ओए, इधर देखो भाई, मैं तेरे को, ओए इधर देख, मैं तेरे को बहुत देर से देख रहा हूँ, लड़की हो रहा है लड़की से। भाई मैंने सिर्फ टाइम पूछा, टाइम तो बता नहीं, कहीं टाइम खराब, चलो बस छेड़ रहा है। अच्छा मैंने टाइम नहीं बताया तो मैं और क्या छेड़ ही रहा है। अरे दीदी शकल तो देखो यार अपनी। अरे अरे शकल तो देखो, नहीं पता नहीं कहाँ से ले आते, खूबसूरत लड़की देखी नहीं, लाइन मारना चालू। यहाँ कौन सी खूबसूरत लड़की? ओके यार मैं सच्ची में बोलू, हाँ वो जो ह्यूमन राइट्स वाला जो कुछ भी वो सीन चल रहा था ना, वुमेन राइट्स, और मतलब अभी मेरे को जैसे पता है मोस्टली वुमेन को अभी मतलब सारे राइट्स मिल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वी डू एजुकेशन, वी डू जॉब और इक्वल राइट्स होते हैं एंड ऑल दैट थिंग, तो उसके बारे में यहाँ पे कोई पंगा नहीं है। वी नीड ह्यूमन राइट्स स्पेशली, और ह्यूमन राइट्स में क्या है जो है वो है, मेरे को भी नहीं पता जो है वो है, मेरे को ये सब चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। लेकिन यार वो जो सर ने एग्जाम का चीटिंग नहीं बोल सकते उसको, मतलब स्ट्रैटर्जी लगाना बोल सकते हैं, पहले बंदे को 1-2 चैप्टर, दूसरे वाले को 3-4, और अब कुछ पढ़ के ना जा लेकिन फिर भी पूरा क्वेश्चन पेपर भर दो आंसर। दिस इज वॉट टैलेंट इज कॉल्ड है, इंडिया में ही सिर्फ पाया जाता है यार, कहीं और दिखाई नहीं देता आपको, पता है
और बहुत सही मीम था, मीम्स बहुत सही थे यार, टग ऑफ मीम्स आर, आई लव देम. सो या दैट इज इट फॉर टुडे. अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो. इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट. थैंक यू.